हम जो जगह रिवील करने वाले, ये जगह इसी रास्ते से होके जाते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बारीग्राम से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है बारीग्राम से। ओके गाइज, मैं हिस्ट्रिकल प्लेस ढूंढते ढूंढते और एक ही घर पे चला गया था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सामने जाओ आप लोगों को मिल जाएगा। ये है रास्ता, ये रास्ता जाके पूरा अंदर तक जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलता हो, जो होगा दिखा जाएगा। सो हे गाइस, इट्स ज़ुबैल सईद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैल ब्लॉग्स। तो आज मैं ऐसा एक जगह पे जाने वाला हूँ, मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है ऐसा जगह पे, और मैं अभी फिलहाल हूँ घर के साइड पे, जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे हूँ मैं, और मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे चार्ली भी है। हम जा रहे हैं अभी एक ऐसा जगह पे जहाँ मतलब अनसीन जगह है, हिस्ट्रिकल प्लेस है, ऐसा जगह है, बहुत पुराना एक हिस्ट्रिकल प्लेस है, उसको आज रिवील करने जा रहे हैं। वो बहुत ही मतलब रेयर ऐसा जगह मिलता है, ऐसा पुराना जगह मिलता है, बहुत ही रेयर, और किसी के नज़र में नहीं आया, हमारे लोकेलिटी में लेकिन किसी को नज़र में नहीं आया अभी तक। तो आज वो जगह को हम रिवील करने जा रहे हैं, मैं और चार्ली, तो मिलते हैं वो जगह पे और चलिए मेरे साथ। करने वाले ये जगह इसी रास्ते से होके जाते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बारीग्राम से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है बारीग्राम से, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ असम, यहाँ पे वे टू ओल्ड बिल्डिंग विलेज मैना, ठीक है। यहाँ से सामने की तरफ जाते हैं और वो जगह ये रास्ते के अंदर जाके राइट साइड को है, तो अभी हम जाएंगे उस जगह पे। ओके गाइस, मैं हिस्ट्रिकल प्लेस ढूंढते ढूंढते और एक ही घर पे चला गया था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सामने जाओ आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ मैं और थोड़ा सा सामने आया और मुझे मिल गया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा पॉन्ड है, यहाँ पे बहुत सारे मछली भी हो सकते हैं। तो आप, मैं अभी आ चुका हूँ वो जगह पर और आप लोगों को मैं दिखाऊँगा, वो जगह मेरे सामने ही है बस। गाइस, मैं अभी चार्ली को यहाँ पर रख दिया, यह सेफ जगह है, यहाँ पर मैंने रख दिया, और आप लोग देख सकते हैं ये है रास्ता, ये रास्ता जाके पूरा अंदर तक जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलता हो, जो होगा दिखा जाएगा। एक्चुअल में ये घर बहुत पुराना हो चुका है, अभी कलर वलर कुछ भी नहीं है इस घर पे, देख सकते डर भी लग रहा है चारों तरफ पूरा कैसा है, कोई आसपास कोई भी नहीं है, आसपास कोई भी नहीं है, और ये आप लोग देख सकते आज की हालत ये ऐसा है, इको हो रहा है मेरा बॉयज़। और इसका हिस्ट्री में अभी बताता हूँ, यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, इसका हिस्ट्री में अभी बताऊँगा आप लोगों को। हिस्ट्रिकल प्लेस है, ये मीडियवल जो पीरियड है वो पीरियड के टाइम ये घर बनाया गया। ये जो बिल्डिंग है ये नीचे से लेके ऊपर तक 4.15 मीटर है, और ये है बहुत पुराने जो लोग रहते हैं यहाँ पे, उन लोगों का घर है। यहाँ पे 7 कमरे हैं टोटल, उसमें से कोई दरवाजा खिड़की कुछ भी नहीं है, ऐसे ही खुला है। और ये है एक हिस्ट्रिकल प्लेस, हमारे यहाँ पे है लेकिन किसी को अभी तक पता नहीं है, और मेरी आवाज़ पूरा इको हो रही है, इस घर से पूरा इको आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, रेलिंग लगा हुआ है, वो पूरा जो पहले लगा हुआ था वही है, गवर्नमेंट की तरफ से ये बोर्ड भी दिया गया है यहाँ पे, लेकिन इस जगह को कोई प्रमोट नहीं करता, अगर प्रमोट करता तो ये भी एक हिस्ट्रिकल प्लेस बन सकता था, हमारे किसी को पता नहीं है ये जगह के बारे में। तो अभी मैं आया हूँ इस जगह को रिवील करने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं ये जगह कैसा है, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग पूरा समझ सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड को पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ओके, तो मैं आप लोगों को बोर्ड दिखाता हूँ, और ये जगह आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए घूम के, पूरा कैसे बढ़िया जगह है ये, आप लोग आके यहाँ पे ना फोटोशूट कर सकते हो, और इसको एक बढ़िया करके एक हिस्ट्रिकल प्लेस है, और यहाँ पे आप लोग फोटो शूट करेंगे ना तो बढ़िया बढ़िया फोटो भी आएगा, और ये जगह को ना थोड़ा सा हाई भी होगा, ये जगह थोड़ा ऊपर तक जाएगा, सबको पता भी चलेगा कि हमारे लोकल में ऐसा जगह है। तो यहाँ पे है इसका पूरा सब कुछ, आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग स्टॉप करके भी पढ़ सकते, और यहाँ पे देखिए आप लोग इसको भी आप पढ़ सकते, स्क्रीन शॉट ले सकते, और यहाँ पे देखिए सारा बिल्डिंग पूरा चारों तरफ का, देख सकते हैं कैसा कितना पुराना हो गया, अभी पहले कलर वलर दिया हुआ था, अभी तो कलर भी नहीं है,
तो देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर मैं थोड़ा जाता हूँ, जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए टोटल 7-6 रूम है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप लोग कितना पुराना है ये सब, और कितना बढ़िया करके डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे। आप लोगों को मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ के जो ये जो टुकड़ा टुकड़ा होके गिर गया ना, इसका ब्रिक्स में आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो हमारे लैंग्वेज में ईट बोलते हैं। तो ये देखिए आप लोग, ये देखिए कितना बड़ा है, कितना साइज़ का है, ऐसा ऐसा ये वाला ईट से पूरा घर को बनाया गया है, पूरा इसको बनाया गया है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे यहाँ पे, आज भी ऐसा ईट मिलता है, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अगर थोड़ा आप लोगों को और डिटेल समझाऊँ तो मुझे इस साइड देखता हूँ जाके क्या है क्या नहीं है, इस साइड जाके देखता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कट्टा रखा हुआ है, कट्टा उट्टा, और ये सब का पीछे है लोगों का घर, और ये है साइड, इसको इस घर को बोलते चौधरी बाड़ी, ठीक है, तो बंगाली में बाड़ी आता है और इसको चौधरी बाड़ी बोलते हैं। और इसका हर एक डिटेल देखिए ना आप लोग, कितना शानदार डिटेल है। अगर इस जगह को ना थोड़ा सा गवर्नमेंट प्रमोट करता ना, तो आज बहुत ऊपर तक जाने वाला था ये जगह। जैसे हमारे यहाँ पे लोकल में और एक है बदरपुर फोर्ट, तो उस टाइप का ऐसा बना सकते, इसको कलर कर सकते थोड़ा सा। देखिए ना कितना बढ़िया सा शेडिंग बना हुआ है, देखिए ना कितना बढ़िया सा शेडिंग बना हुआ है दरवाजे का, कितना सुंदर सुंदर है। उसको थोड़ा सा प्रमोट कर देने से क्या हो जाता है। मैं असम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जगह को और थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, और इस जगह को ऐसे ये सब कले का पत्ता उत्ता ये सब काट के सुंदर करके इस जगह को रिवील कर दिया जाए, तब लोग भी आएंगे और अट्रैक्शन भी होगा बहुत बढ़िया सा। अब लोग देख सकते हैं ये जगह को गवर्नमेंट ने बना के दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पहले जो कलर किया गया था वो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, लेकिन अब भी कुछ कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, देखिए ना ऐसे कैसे भूतिया बांग्ला जैसा पड़ा हुआ है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है आसाम गवर्नमेंट से कि इस जगह को थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए, पहले जैसा थोड़ा सा इसमें कलर उलर ये सब करके थोड़ा सा इसमें मेंटेनेंस किया जाए, ताकि लोगों को हम पता चले कि हमारे करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में है क्या नहीं है, हमारे करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, हमारे बराकबली में क्या नहीं है, सब कुछ है हमारे करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हमारे करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं है वो नहीं है, सब कुछ है हमारे करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में। बस उसको थोड़ा सा वो करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उसको थोड़ा सा वो करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये रिवील वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। ऐसा वीडियो और भी लाऊँगा, और आप लोग कैसे लगा ये कॉमेंट करके मुझे बोल दीजिएगा, ये हिस्टोरिकल वाला बिल्डिंग, तो मुझे और भी मोटिवेट मिलेगा और मैं ऐसा और भी जगह को रिवील करूंगा, अनसीन जगह, इस हिडन जगह को और भी जगह को रिवील करूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।